7 नवंबर 1990 इस दिन देश की लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। दोपहर से रात तक जोरदार बहस हुई। 11 घंटे की बहस के बाद रात 10:15 बजे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग की गई, जिसमें वीपी सिंह सरकार के पक्ष में 142 और विरोध में 346 वोट पड़े। उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और इस तरह महज 11 महीने में ही देश के 7वें प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार गिर गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। प्रधानमंत्री पर हमारी स्पेशल सीरीज के इस खास एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं देश के 7वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह की। वीपी सिंह ने सिर्फ 11 महीने तक देश की कमान संभाली थी, लेकिन इन 11 महीनों में वो सबसे विवादित सरकार थी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में आपको एक एक कड़ी जोड़कर बताएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने पीएम पद की लालसा में राजीव गांधी के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया था और फिर कैसे दूसरों का खेल बिगाड़कर पीएम की कुर्सी तक पहुंचे। ये बात 16 मई 1987 की भरी दोपहर की है। तब राजधानी दिल्ली के बोट क्लब ग्राउंड में कांग्रेस की विशाल रैली थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी उस रैली में भाषण देने वाले थे। ऐसे में रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके वीपी सिंह को लगा कि उन्हें भी इस रैली में शामिल होना चाहिए। स्वभाव से जिद्दी तो थे ही वो, लिहाजा चिलचिलाती धूप में सिर पर गमछा लपेटे सबसे आगे की लाइन में जाकर बैठ गए। राजीव गांधी ने भाषण देना शुरू किया जो वीपी सिंह के सीने पर तीर की तरह लगा। राजीव ने कहा, आज हमें ये याद रखना है कि कैसे हमारे बीच से मीर जाफर और जयचंद जैसे लोग उठे थे। उन्होंने भारत को बेचने और कमजोर करने के लिए हर गलत काम किया। हमें उनको करारा जवाब देना होगा। उस जमाने के मशहूर पत्रकार देवाशीष मुखर्जी अपनी किताब डिस्ट्रप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया में लिखते हैं कि कथित रूप से जयचंद वीपी सिंह के पूर्वज थे। इसका मतलब उस भाषण में राजीव का इशारा वीपी सिंह की तरफ था। वो उसी वक्त रैली छोड़कर चले गए और मन ही मन तय कर चुके थे कि कैसे भी करके राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटा कर रहेंगे। दरअसल साल 1986 में भारत सरकार और स्वीडन की हथियार बनाने वाली एक कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 1437 करोड़ रुपए की डील हुई थी। इस डील के तहत उस कंपनी ने इंडियन आर्मी को 155 एमएम की 400 हेविट्सर तोप, जिसे बोफोर्स तोप भी कहा जाता था, उन 400 तोपों की सप्लाई भारत को दी जानी थी। लेकिन इस डील के एक साल बाद एक स्वीडिश रेडियो चैनल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इस डील के लिए भारत के नेताओं और सेना के अफसरों को बड़ी मोटी रिश्वत दी गई है। कुछ दावे ऐसे भी हैं कि राजीव सरकार में रक्षा मंत्री रह चुके वीपी सिंह ने पीएम से पूछे बिना ही HDW सबमरीन के रक्षा सौदे की जाँच शुरू करवा दी थी। इस बारे में जब राजीव को पता चला तो वो काफी नाराज हुए। पार्टी के लोग वीपी सिंह का विरोध करने लगे, जिसके बाद उन्हें 12 अप्रैल 1987 को रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। तब तक वो बोफोर्स कांड को लेकर राजीव के खिलाफ माहौल तैयार कर चुके थे, लिहाजा मुद्दा गरमाया और विपक्षी दलों समेत वीपी सिंह अब पुरजोर तरीके से राजीव गांधी पर निशाना साधने लगे। इसके बाद उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया और वीपी सिंह ने जन मोर्चा नाम से अपनी पार्टी बना ली। लेकिन कुछ समय बाद जन मोर्चा का विलय जनता दल में हो गया और इस तरह अब वीपी सिंह खुलकर विपक्षी दलों का साथ देने लगे। बताया जाता है कि वीपी सिंह ने बोफोर्स कांड के दम पर 1989 का चुनाव लड़ा, क्योंकि उनके पास और तो कोई बड़ा मुद्दा था नहीं। इसलिए उन्होंने उस वक्त देश के हर नागरिक को इस भ्रष्टाचार के बारे में बताने के लिए बाकायदा पूरा कैंपेन चलाया और नारा दिया, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। वो राजनीति में इतने चतुर और मंझे हुए खिलाड़ी थे कि चुनाव प्रचार के दौरान एक कागज अपनी जेब में लेकर चलते थे और जब भी कहीं भाषण देते थे तो कहते थे कि मेरे पास स्विस बैंक का वो अकाउंट नंबर है जिसमें बोफोर्स घोटाले के पैसे जमा है। वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो 3 नवंबर 1988 को पटना में एक चुनावी रैली के दौरान वीपी सिंह ने राजीव गांधी के स्विस बैंक के खुफिया खाते का राज खोलने का दावा किया था। इसके अगले दिन एक वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर ने जनसत्ता अखबार में लिखा, स्विस बैंक कॉरपोरेशन के इस खाते का नंबर 9921PU है। इस खाते में बोफोर्स सौदे के कमीशन में मिले 3,20,76,709 स्वीडिश क्रोना है, यानी भारतीय करेंसी में तब के 8 करोड़ रुपए। वीपी सिंह कहते हैं कि ये खाता लोटस के नाम पर है। उनके मुताबिक लोटस और राजीव का मतलब एक ही होता है,
अगर ये बात गलत निकली तो वो संन्यास ले लेंगे। हालांकि उनके इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए 17 दिसंबर 1988 को इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में लेखक भवानी सेन गुप्ता लिखते हैं, 10 नवंबर 1988 को वीपी सिंह संसद में नई संसदीय कमेटी बनाकर बोफोर्स कांड की जांच कराने की मांग करते हैं, लेकिन राजीव गांधी के स्विस अकाउंट की जानकारी को लेकर एक भी शब्द नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो इस दावे को साबित नहीं कर पाएंगे। बोफोर्स कांड को लेकर खूब शोर शराबे के बीच वो साल गुजर गया, लेकिन इसका बड़ा असर 1989 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला था। वीपी सिंह देश की जनता को बोफोर्स में हुए घोटाले का यकीन दिला पाने में कामयाब हुए और उस चुनाव में कांग्रेस के साथ खेला हो गया। चुनाव में 198 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तो बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से बहुत पीछे रह गई थी। वहीं बोफोर्स के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक गठबंधन नेशनल फ्रंट को बहुमत मिला था। इस पार्टी में शामिल जनता दल को 143, भाजपा को 85 और वामपंथी दलों को 52 सीटें मिली थी। इसके अलावा दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को 9 सीटें मिली थी। इन सीटों का कुल जोड़ 289 बनता है, जो बहुमत के जादुई आंकड़े से 17 सीटें ज्यादा था। अब बहुमत तो मिल गया, लेकिन कश्मकश ये थी कि पीएम कौन बनेगा, क्योंकि इतनी सारी पार्टियों ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा था। इसी वजह से 3 दिनों तक संसदीय दल की बैठक टलती रही। 30 नवंबर 1989 को चंद्रशेखर अपने आवास 3 साउथ एवेन्यू लेन पर कुछ बड़े नेताओं से इस पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय ओडिशा भवन में भी एक बड़ी बैठक चल रही थी। इसमें देवीलाल के सहारे वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे थे। उस मीटिंग में देवीलाल, अरुण नेहरू, कुलदीप नैयर और बीजू पटनायक मौजूद थे। इस बैठक के बारे में वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर लिखते हैं, बैठक में देवीलाल ने कहा कि वीपी सिंह एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे, लेकिन परेशानी ये है कि मैंने चंद्रशेखर को जबान दी है, इसलिए मैं भी मुकाबले में उतरूंगा और अगर वीपी सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो पार्टी टूट जाएगी। ये बात वहां बैठे हर नेता को पता थी। इसके बाद देवीलाल ने चंद्रशेखर को ओडिशा भवन बुलाया। वहां आकर चंद्रशेखर ने कहा कि संसदीय बैठक में देवीलाल का नाम प्रस्तावित किया जाएगा, जिसका अप्रूवल मैं दूंगा। चंद्रशेखर की बात सुनकर उस वक्त तो सबने हामी भर दी, लेकिन चंद्रशेखर की गैर मौजूदगी में वीपी सिंह को ही प्रधानमंत्री बनाने की कवायद शुरू हो गई। इसके बाद जिस तरह की शातिर चालें चली गईं, उसमें चंद्रशेखर उलझ कर रह गए। बात 1 दिसंबर 1989 की है। संसद के सेंट्रल हॉल में जनता दल की संसदीय बैठक बुलाई गई। इसमें वीपी सिंह, देवीलाल, मधु दंडवते, अजीत सिंह और जनता दल के सभी सांसद और दिग्गज नेता पहुंचे। उस बैठक में खुद को पीएम पद का सशक्त उम्मीदवार मानने वाले चंद्रशेखर भी बैठक में पहुंचे थे। चंद्रशेखर उस वक्त मलेरिया बुखार में तप रहे थे। इस बैठक को आयोजित करने की जिम्मेदारी चंद्रशेखर के करीबी यशवंत सिन्हा को सौंपी गई थी। यशवंत सिन्हा ने अपनी किताब रिलेंटलेस में इसके बारे में लिखा, संसदीय दल की बैठक शुरू होते ही मधु दंडवते ने वीपी सिंह से प्रस्ताव रखने के लिए कहा। वीपी सिंह तेजी से खड़े हुए और उन्होंने ताऊ देवीलाल को पीएम बनाने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद हॉल में 2-4 तालियां ही बजी। इसके बाद देवीलाल खड़े हुए और बोले, मुझे हरियाणा में ताऊ कहते हैं, यहाँ भी मैं ताऊ ही बना रहना चाहता हूँ। मैं अपना नाम वापस लेता हूँ और वीपी सिंह के नाम का सुझाव देता हूँ, क्योंकि देश वीपी सिंह को पीएम बनते देखना चाहता है। इसके बाद हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बस फिर क्या था, अजीत सिंह ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और दंडवते ने वीपी सिंह के निर्वाचन की घोषणा कर दी। ये सब देखकर चंद्रशेखर भड़क उठे और अपना शॉल संभालते हुए बैठक से जाने के लिए चलने लगे। चलते हुए चंद्रशेखर ने गुस्से में कहा, मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। मुझे कहा गया था कि देवीलाल को नेता चुना जाएगा, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं बैठक से जा रहा हूँ। इस घटना के बारे में चंद्रशेखर ने अपनी जीवनी जिंदगी का कारवां में लिखा है, मुझे लग रहा था सरकार की शुरुआत ही छल कपट के साथ हुई है। ये बहुत निचले स्तर की राजनीति थी, जिसमें वीपी सिंह एक नैतिक पुरुष के रूप में उभरे। उनका उदय राजनीति में फिसलन की शुरुआत थी। भ्रष्टाचार के मुद्दे को वीपी सिंह ने भावुक मसला बना दिया था। अगले ही दिन यानी 2 दिसंबर को वीपी सिंह के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होता है। तत्कालीन राष्ट्रपति आरके वेंकटरमण ने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई, लेकिन यहां भी एक खेल हो गया। कल तक ताऊ देवीलाल वीपी सिंह के लिए पीएम पद छोड़ने के लिए तैयार थे, आज वो डिप्टी पीएम बनने के लिए अड़ गए। वीपी सिंह ने उनकी मांग पूरी भी कर दी।
और इसी के साथ वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की पूरी व्यूह रचना करने वाले अरुण नेहरू और कुलदीप नैयर को भी बड़े पदों का सुख मिला। वीपी सिंह ने मुस्लिमों और जम्मू कश्मीर को साधने की कोशिश के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री बनाया। वो चाहते थे कि मुफ्ती मोहम्मद के जरिए मुस्लिमों में संदेश जाए कि उनकी पहुंच काफी ऊपर तक है, लेकिन आगे चलकर यही सईद उनकी सरकार जाने की बड़ी वजह बन गए। दरअसल जिस दिन मुफ्ती मोहम्मद सईद ने गृह मंत्रालय में कार्यभार संभाला था, उसी दिन उनकी 23 साल की बेटी रुबैया सईद का किडनैप कर लिया जाता है। 8 दिसंबर 1989 के दिन रुबैया हॉस्पिटल से घर के लिए निकलती हैं कि तभी 5 अलगाववादी उन्हें अगवा कर लेते हैं। ये लोग 5 मोस्ट वांटेड आतंकियों को रिहा कराने की मांग करते हैं, जिन्हें बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार किया था। इस अपहरण की घटना पर वीपी सिंह ने सईद से कहा, हम सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस काम पर लगाएंगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं देंगे। हालांकि लंबी बातचीत चली, जिसके बाद वीपी सिंह सरकार को आतंकियों के आगे घुटने टेकने पड़े और रुबैया की रिहाई के लिए आतंकियों को छोड़ने का फैसला लिया गया। इस फैसले से वीपी सिंह की छवि को काफी नुकसान होता है और उनकी निंदा की जाने लगती है। इसके बारे में वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती कहते हैं, वीपी सिंह ने यहाँ शुद्ध मानवीय भावनाएं दिखाई थी, लेकिन इससे ये पता चल गया कि वीपी सिंह से दबाव डलवाकर कुछ भी करवाया जा सकता है। अगर वो समझौता नहीं करते तो उनकी छवि दमदार बनी रहती। तो इसी तरह का एक और बड़ा किस्सा है जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी है। उस समय पर जनता दल के ज्यादातर नेता मंडल आयोग की सिफारिश कर रहे थे। वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर देश में तहलका मचा दिया। इसके जरिए शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिल गया। इसके खिलाफ सामान्य वर्ग के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुलदीप नैयर एक जिंदगी काफी नहीं में लिखते हैं, वीपी सिंह सबसे ज्यादा विवादास्पद नेताओं में शामिल थे। देश की राजनीति में उनका प्रभाव भले ही समाज को बांटने वाला रहा हो, लेकिन उनके कार्यकाल में ही मंडल आयोग की वो सिफारिशें लागू हुई जिन्हें कभी इंदिरा गांधी ने ताक पर रखा था। वीपी सिंह ने मुझसे कहा था कि भले ही मैंने अपनी एक टांग गंवा दी हो, लेकिन गोल तो करके ही रहूंगा। इसी तरह साल 1990 का एक और किस्सा है, जब राम मंदिर निर्माण की मांग जोर पकड़ रही थी। उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की थी, जिसका मकसद देश भर में 10,000 किलोमीटर का सफर करके अयोध्या पहुंचना था और राम मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा की जानी थी। लेकिन तब से ही मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाले नेता मुलायम सिंह, लालू यादव इस यात्रा के विरोध में थे, जिसके चलते वीपी सिंह ने आडवाणी को यात्रा रोकने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया था कि कोई परिंदा भी अयोध्या में पर नहीं मार पाएगा। इस बयान से मुलायम ने आडवाणी को अयोध्या आने की चुनौती दी थी। कहा जाता है कि वीपी सिंह ने तब बिहार के सीएम लालू यादव से कहा कि मुलायम तो आडवाणी को गिरफ्तार करेंगे ही, क्यों ना तुम भी ऐसा करो। इसके बाद 22 अक्टूबर 1990 को वीपी सिंह ने लालू से सारी तैयारी सुनिश्चित करने और रात 2 बजे के बाद आडवाणी को हिरासत में लेने को कहा, जो कि तब तक अखबार छप चुके होते हैं और अगले दिन ज्यादा हंगामा नहीं होगा। अब देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री ने गिरफ्तारी का ऑर्डर निकाल ही दिया है, तो बिहार से यात्रा आगे कैसे बढ़ सकती थी। अगले ही दिन रात के 2 बजे समस्तीपुर जिले में जिला मजिस्ट्रेट आर के सिंह और IPS रामेश्वर ओरेन पुलिस फोर्स के साथ आडवाणी को हिरासत में ले लेते हैं। ये मामला तब काफी भड़क गया, हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। वीपी सिंह की इस हरकत से नाराज होकर भाजपा ने केंद्र सरकार से हाथ खींच लिया। भाजपा के इस फैसले के बाद वीपी सिंह इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन साथी दलों ने उन्हें सलाह दी कि वो अविश्वास प्रस्ताव तक पद पर बने रहें। और फिर वो हुआ जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में ही बताया था। वीपी सिंह की सरकार गिर गई, जनता दल टूट गया और इस तरह देश के 7वें प्रधानमंत्री वीपी सिंह सिर्फ 11 महीने तक ही पीएम पद पर बने रहे। तो फिलहाल आज के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।